एक सिक्स स्टैंडर्ड की लड़की स्कूल से छुटके घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक साइकिल का शोरूम आता है और वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि उस साइकिल के शोरूम में एक लेडी बर्ड वाले उसकी पसंदीदा साइकिल वहाँ पे रखी हुई थी और वो उस साइकिल को उस आईने से टच करते हुए वहीं खड़ी रह जाती है, सोचती हुई कि काश ये साइकिल मेरी होती तो। और ये सोचते सोचते वो घर चली जाती है। उसके 10 दिन बाद उसका बर्थडे आता है और उसके बुआ उसके लिए वही साइकिल लेके आके देते हैं और वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसका वो ड्रीम साइकिल था। यस फ्रेंड्स, दिस हैपन्स विथ एवरीवन। आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपने कुछ सोचा होगा, दिल से सोचा होगा और वो सच हो जाता है। हाउ, कैसे हुआ ये? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हम इस वीडियो के थ्रू आपको वही बताने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आपने जाने अनजाने में ये आपके साथ जो हुआ है, अब उसे बार बार कैसे कर सकते हैं, इसको किस तरह साकार कर सकते हैं, आपके हर ड्रीम्स हर डिज़ायर को किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ सिखाएंगे हम इस वीडियो से। दिस इज पॉसिबल इन दिस ग्रेट यूनिवर्स। यूनिवर्स इज देयर टू जस्ट गिव, देते रहेगा अगर आप मांगते रहोगे तो। तो प्लीज़ देखते रहिए ये वीडियो को लास्ट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट इसी तरह के वीडियो आपको हर संडे मिलते रहे। ओके, कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको ये 4 D's के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्रीम्स, डिज़ायर, डिटर्मिनेशन, डिस्कवरी, राइट? ड्रीम वो ड्रीम्स हैं जो डिज़ायर अनकॉन्शियस माइंड करता है। आप सपने में देखते हैं, लेकिन वो सारे आपके डिज़ायर और थॉट ही हैं जो एक फिल्म के रूप में चलते हैं, राइट? तो वो ड्रीम्स को, वो जो डिज़ायर्स को है जो अनकॉन्शियस माइंड देखता है, उसे आपको बाहर लाना ज़रूरी है अगर उसको आपको साकार करना है तो। फिर ये डिज़ायर जो आप लाइव फिजिकली देखते हैं या इच्छा रखते हैं, कोई चीज़ देखा, मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, दिस आर द डिज़ायर मेड बाय आवर कॉन्शियस माइंड, राइट? अब ये अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के डिज़ायर्स को थॉट में बदलना ज़रूरी है, उसमें एक पावर देना ज़रूरी है, उसको स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। और उसे अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिलीफ। बिलीफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप उस अपने आप में पॉजिटिव नहीं हो तो आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू नीड टू बिलीव इन योर डिज़ायर्स, एंड दैट्स मेक्स योर स्ट्रांग डिज़ायर, राइट? नाउ, ये जो डिज़ायर हैं ये ले जाता है डिटर्मिनेशन, विल पावर। इस डिज़ायर को अगर हमको साकार करना है तो आपका डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, उस बच्ची के बारे में जो मैंने बताया, जिसने उस साइकिल को देखा शोरूम के अंदर, साइकिल जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसने उस साइकिल को एक डिज़ायर बनाया, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनाया, और उसने एक विजुअलाइजेशन किया कि मैं इस साइकिल पर स्कूल पर जाऊँगी। देखिए, यूनिवर्स यही चाहता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में छोड़ें, और उस वाइब्रेशन को उस चीज़ के साथ यूनिवर्स को पता है किस तरह लाना है। यूनिवर्स ने क्या किया, उस वाइब्रेशन को उसके बुआ के तरफ छोड़ दिया। उस बुआ को, उनके जो उस लड़की के जो बुआ थे, उनको उस आइडिया आया कि मुझे ये बार बर्थडे में साइकिल देना है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। This is nothing, no magic. It's all vibration. A positive vibration attracts a positive vibration. A positive desire attracts a positive desire. And this way, the girl gets her dream cycle, right? तो ये होता है desire, strong desire. फिर उसे, अगर आप अभी पढ़ाई करते हैं, अगर आप एक student हैं, अगर आप एक office में जाते हैं, आपको कुछ पोस्ट बनना है, कुछ हाई बनना है, कुछ अचीव करना है, तो फिर उसके बाद आपको उसके
वर्किंग प्लान पे उतरना जरूरी है एक डिटर्मिनेशन के साथ, राइट। तो ये जो डिज़ायर है उसको आप एक पेपर पे लिखिए, एक कहीं भी इस तरह लिखिए जो बार बार आपको याद आए, रिपीट हो, उसके बारे में सोचते रहें। जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे उसका वाइब्रेशन जो है आपके इर्द गिर्द रहेगा और वो सारी चीज़ें जो उसको ज़रूरत है उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको अचीव करना है 95%। अब 95% खाली लिखने से नहीं होगा, खाली सपना देखने से नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी ऑल योर 6 and 7 सब्जेक्ट्स, यू हैव टू स्टार्ट विथ 1 सिंगल सब्जेक्ट। अब देखिए, छोटे छोटे प्लान बनाइए, एक सब्जेक्ट से शुरू कीजिए, हर एक टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आने के, क्योंकि आप हाईएस्ट मार्क्स इसलिए लाओगे क्योंकि आपका ड्रीम है 95% का। सी, दिस इज हाउ इट हैपेंस। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपको उस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क दिलाएगा, और ये आपका विल पावर है, ये आपका स्ट्रांग बिलीफ है, एंड दैट बिलीफ बिकम्स योर ड्रीम कम ट्रू, राइट। दैट बिलीफ मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू, राइट। दिस वे इट हैपन्स। तो ये होगा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, विल पावर बोलो, ये उसका जब साथ देता है, इस डिजायर कैन बी कन्वर्टेड इन टू डिस्कवरिंग डिफरेंट वेज। अब ये डिफरेंट वेज क्या है, जैसे उस बच्चे में बुआ को मिला, यहाँ पे आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपके अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे, आपके अच्छे कलीग्स मिलेंगे, आपका जो बॉस है वो आपको हेल्प करने लगेगा, राइट। मैं अपने अगले वीडियो में ये बताऊंगा किस तरह मेरा ड्रीम बुक लिखा मैंने, आपको भी किस तरह ड्रीम बुक लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो ड्रीम बुक मेरा कैसे साकार हुआ, किस तरह मुझे मेरा ड्रीम बंगलो मिला वो बताऊंगा। तो देखते रहना अगले वीडियो भी, अभी हम देखते हैं डिस्कवरी। सो दिस डिस्कवरी इज नथिंग बट attracting all related person or help to you, this universe helps you out। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आपके पास वही लोग आएंगे जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आपको मिलेंगे, वो आपको ढूंढ के आएंगे, वो आपको हेल्प करने लगेंगे, टीचर आपको सामने से हेल्प करने लगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो रहा है। जो आप एक नॉर्मल स्कोरर थे, जब आप जस्ट 50% स्कोर कर रहे थे, लेकिन आपका ये स्ट्रांग डिज़ायर ने ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा और आपका एक एक छोटा छोटा गोल आपको ड्रीम के तरफ ले गया। आप ये जो ड्रीम आपका अचीव्ड हुआ, ये है लाइव ड्रीम, योर ड्रीम कम ट्रू। सो जो ड्रीम आपने बेड पे किया था, जो ड्रीम आपने सोते सोते देखा था, वो ड्रीम आपको अभी फिजिकली मिला है। This is how the law of attraction works. This is how the secrets of universe work. हाँ दोस्तों, बहुत ही magical चीज़ है, लेकिन possible है, it is not impossible, it is always possible, but you just need to do few steps, you just need to follow few steps and your life will become like you as you want, your life will become your dream life. आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा, राइट, विलन होगा और विलन के आजू बाजू आपने किसको देखा है, इंजीनियर, डॉक्टर, संत, महाराज, फादर, ऐसे घूमते नहीं। विलन के बाजू में वो सारे जो हम बोलते हैं टपोरी, वैसे टाइप ही होंगे, जिसके बाल यूं होंगे, वो होंगे, मूंछें लंबी होगी, हाथ में बंदूक होगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज द विलन हिमसेल्फ इज हैविंग ऑल नेगेटिव थॉट्स, ऑल नेगेटिव डिजायर्स। This is how he attracts the people. समझ रहे हो आप, उसके जो आजू बाजू हैं वो कुछ नहीं, उसके thoughts के output हैं, उसके desire के output हैं, जो universe ने भेजा है, जाओ इनको इसकी ज़रूरत है, तुम उसके साथ चले जाओ, और इसी तरह उसका circle बना रहता है। आप यही चीज़ किसी और का देखिए, कोई scholar को देखिए, कोई businessman को देखिए, कोई संत महाराज को देखिए, आप देखिए उनके आजू बाजू वैसे ही लोग होंगे। This is how the law of attraction works. और ये है the secrets of universe. जो भी हुआ है, जो भी मिला है और जो भी होता है, you are only responsible for that. Either it may be your thoughts, your desire or your subconscious thoughts or dreams. Right? So this is how the dreams and desire manifestation takes place. दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा ड्रीम बुक कैसा लिखा मैंने और उस ड्रीम बुक में कितने सारे ड्रीम साकार हुए और किस तरह हुआ। अब बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप भी इस ड्रीम बुक बनाओगे, राइट। तो वेट टिल द नेक्स्ट संडे, वी विल कम बैक विथ यू
with my dream book. So bye for this Sunday. Bye. Have a nice day.